हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अब की बार मैं पूरा का पूरा पार्टनरशिप सिखाने वाला हूं आपको इसी YouTube चैनल पे। वही आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आज ये मेरा सेकंड वीडियो है जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं कैपिटल अकाउंट बनाने के दो बेसिक मेथड्स, राइट। बहुत ही छोटा सा मेथड है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि आप कभी भी आगे पार्टनरशिप में कुछ भी करेंगे, कैपिटल अकाउंट तो सर आपको बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाने वाला हूँ। कौन से दो मेथड्स बेसिकली होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के, वो हम सीखने वाले हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखता रहेगा, फोकस करते रहना कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सबसे पहले समझते हैं इनके व्यू पॉइंट्स के बारे में। फिक्स कैपिटल मेथड बनाने वाले अकाउंटेंट्स मानते हैं कि भैया फर्म में कुछ पर्टिकुलर कैपिटल फिक्स रहना चाहिए, कि वो कैपिटल विड्रॉ करना 100% अलाउड नहीं होना चाहिए। क्योंकि भैया फर्म के बेसिक रनिंग के लिए, रोज के काम के लिए, रोज के खर्चों के लिए या कुछ फिक्स एसेट्स के लिए हमें कुछ फिक्स कैपिटल चाहिए। जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड वाले लोग मानते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, जितना पैसा चाहिए लाएंगे, जितना चाहिए लेके चले जाएंगे। ऑनेस्टली दोनों में से किसी का व्यू पॉइंट गलत नहीं है, ये अपने अपने नजरिए है, राइट। सो हमें तो देखना है कि भैया दोनों मेथड्स में हमें क्या करना पड़ेगा एज एन अकाउंटेंट, हम क्या करने वाले हैं। तो चलो ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड की, तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, राइट। पहले मैं पूरा फिक्स बताऊंगा, फिर हम फ्लक्चुएटिंग करेंगे। अब इन दोनों अकाउंट में क्या फर्क होता है? सर, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ चार ट्रांजेक्शन आते हैं, ओनली एंड ओनली 4 ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला होता है ओपनिंग कैपिटल, जो भी होगा दोनों पार्टनर्स का लिख देंगे। दूसरा होता है क्लोजिंग कैपिटल, जो भी लास्ट में हमें मिलेगा वो लिख देंगे। तीसरा होता है एडिशन ऑफ कैपिटल, मतलब अगर कोई भी पार्टनर कुछ भी एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो एडिशनल कैपिटल जो भी होगा वो आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, अगर हम कोई भी कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी एंट्रीज आ जाएगी। इन शॉर्ट, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ चार ट्रांजेक्शन आते हैं, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, राइट। इसके सिवाय कुछ भी यहाँ पे आता नहीं है। इसका मतलब बाकी बचे कुछ सारे के सारे ट्रांजेक्शन हम लिखने वाले हैं करंट अकाउंट के अंदर। कहां लिखेंगे हम? करंट अकाउंट के अंदर। चलिए इसके बाद में बात करेंगे करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट में क्या आने वाला है? बड़ा ही सिंपल होता है, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा पहले तो करंट अकाउंट का। सर, करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों तरफ आ सकता है, इट कैन बी नेगेटिव बैलेंस एज वेल एज इट कैन बी पॉजिटिव बैलेंस। मतलब करंट अकाउंट का पॉजिटिव होगा तो क्रेडिट में आएगा और नेगेटिव होगा तो वो डेबिट में आएगा। इन शॉर्ट दोनों तरफ आपके करंट अकाउंट के बैलेंसेस आ सकते हैं। अब क्या, पार्टनर को जो जो देना है वो क्रेडिट करेंगे, पार्टनर से जो जो लेना है वो डेबिट करेंगे। मतलब अगर हमें पार्टनर को सैलरी देना है क्रेडिट कर दो, हमें किसी पार्टनर को कमीशन देना है क्रेडिट कर दो, हमें इनको कोई तरह का डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे दे देंगे, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है भैया वो भी यहाँ दे देंगे, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है तो यहाँ आ जाएगा, पार्टनर ने कुछ बेसिक ड्रॉइंग्स किया है तो भी यहाँ आ जाएगा, अगर डिविजिबल लॉस हुआ तो भी यहाँ आ जाएगा। इन शॉर्ट बाकी सारी एंट्रीज पार्टनर्स की करंट अकाउंट में होती है, कैपिटल अकाउंट में नहीं होती है। फिर जो भी क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा वो वापस से लिख दिया जाएगा, अगेन क्लोजिंग बैलेंस दोनों तरफ आ सकता है। सो इसलिए कैपिटल अकाउंट में सिर्फ चार ट्रांजेक्शन, बाकी सारे ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं करंट अकाउंट में। अब आपके मन में क्वेश्चन जग रहा होगा कि सर, ड्रॉइंग्स आपने लिखा है यहाँ पे और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल आपने यहाँ लिखा है, दोनों में फर्क क्या है? ड्रॉइंग्स में भी ओनर घर पे पैसा लेके जा रहा है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल में भी ओनर घर पे पैसा लेके जा रहा है, व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस? सर, डिफरेंस होता है नेचर। ड्रॉइंग्स जो होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है, हर आदमी अपने बिजनेस से हर महीने महीने या हर दो तीन महीने में पैसा विड्रॉ करता है अपने रेगुलर घर खर्च के लिए, राइट, उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स, राइट। नॉर्मली ऐसा होता है कि ड्रॉइंग्स प्रॉफिट में से ही किया जाता है, जबकि विड्रॉवल ऑफ कैपिटल रिकरिंग नेचर का नहीं होता, वो परमानेंट नेचर का होता है। हमें लग रहा है बिजनेस में बहुत सारा कैपिटल आइडल पड़ा है, हमने परमानेंट बेसिस पे कैपिटल विड्रॉ कर लिया, देन दैट इज टर्म्ड एज विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, हमें कैसे पता चलेगा वो परमानेंट है या टेम्पररी है, मतलब वो रिकरिंग है या एकदम परमानेंट सा है? सर, आपको क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा विड्रॉवल ऑफ कैपिटल तो आप कैपिटल अकाउंट में लिखो, आपको कहा जाएगा ड्रॉइंग्स तो आप करंट अकाउंट में लिखो। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली टर्म्स लिखे होंगे, ड्रॉइंग्स लिखा होगा तो करंट अकाउंट, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल लिखा होगा तो कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड जिसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जहां पे दो अकाउंट हमने बनाने सीखे हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट।
अब बात होती है हमारे सेकेंड मेथड की, इसमें क्या कर रहा है सर? ऑनेस्टली इस मेथड में कुछ नहीं कर रहा है, इस मेथड में इन दोनों अकाउंट को प्लस करके लिख देना है, दैट्स इट। मतलब इस मेथड में कुछ नया नहीं होगा, जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा वो पहले बैलेंस आप लिख दो, राइट, फिर हर चीज यही लिखो, मतलब एडिशनल कैपिटल भी यही आएगा, सैलरी भी यही आएगी, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल भी यही आएगा, ड्रॉइंग्स भी यही आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल लॉस, इन शॉर्ट इन दोनों अकाउंट को मर्ज करके जब आप एक सिंगल अकाउंट में लिखते हो तो उसे कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दो अकाउंट के बैलेंसेस नहीं होते हैं, करंट अकाउंट जैसा कुछ नहीं होता है, एक सिंगल अकाउंट होगा जिसे हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। याद रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है कि मैं फ्लक्चुएटिंग सिलेक्ट करूं या फिक्स सिलेक्ट करूं, एवरीथिंग वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन कि आपको कौन से मेथड से सम को आगे अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू जस्ट बी अ गुड स्टूडेंट, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, दैट्स इट, दैट्स इट। यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर ओन कॉमन सेंस कि मुझे कौन सा यूज करना चाहिए, नॉट नीडेड। आपको चुपचाप अपने अकाउंट्स में क्वेश्चन में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, दैट्स इट, राइट। सो दिस वाज माय सेकंड टॉपिक, दिस वाज माय सेकंड वीडियो, जहां पे आपको मैंने सिखाया है कैपिटल अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट के दो बेसिक मेथड्स कौन से होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो दिस इज आवर सेकंड स्टेप। मैंने कहा था ये बहुत बड़ी जर्नी है, आपको मेरा साथ नहीं छोड़ना है, राइट। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपका सबसे फेवरेट टॉपिक सिखाऊंगा। आई डोंट नो, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर साल मुझे ये टॉपिक 3 से 4 बार मिनिमम पढ़ाना ही पड़ता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो भूलना मत, हमें इसके बाद वाले वीडियो को देखना है जहां पे मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना रखेंगे गाइस, वापस से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कुछ और नए टॉपिक्स लेके मैं आने वाला हूँ। ओके, बाय बाय फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।